स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। और जैसा कि आप सबको पता है, पबजी जो इंडियन वर्जन है यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, वो उसकी जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो 18th ऑफ मई से शुरू हो चुकी है प्ले स्टोर पे। तो आप अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है प्री रजिस्ट्रेशन करने में, तो मैंने एक वीडियो बनाई है इसके लिए स्पेशली। आप उस वीडियो पे जाओ, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करो और आप बिना किसी परेशानी के उसे रजिस्टर कर पाओगे। तो सबसे बड़ी जो अभी अपडेट निकल के आ रही है कि पबजी आ तो रहा है इंडिया में, पर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आ रहा है मतलब, तो मैं इस वीडियो में उसी के लिए बात करने वाला हूँ, उसी के बारे में। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे वीडियोज देखो जो आपके काम की है, नहीं तो फिर ठीक है, जितना हो सके शेयर करो और वीडियोज को लाइक करो। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस की जो PUBG आने के बाद आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला कि अगर आप 18 साल से कम के हो यानी बिलो 18 हो, तो आप उसे नहीं खेल पाओगे बिना आपके पेरेंट्स के इजाजत के। मैं मतलब समझाता हूँ, अगर आप 18 हो तो आपको फोन नंबर अपने पेरेंट्स का कंपनी वालों को, यानी जब आप लॉग इन करोगे तो कंपनी वालों को फोन नंबर देना होगा, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो, यानी एज ए अप्रूवल कंपनी मांग रही है कि अगर आपके पेरेंट्स ने अप्रूवल दिया, उन्होंने अपना नंबर डाला, तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स ऑब्वियस सी बात है अप्रूव कर रहे हैं खेलने के लिए। तो फिर वो, अगर आप 18 बिलो तो आपको अपने पेरेंट्स का नंबर देना होगा। दूसरा है कि आप दिन में 3 घंटे से ज्यादा नहीं खेल पाओगे। तो ये चीज सबके लिए है, चाहे कोई भी हो, तो आप दिन में 3 घंटे से ज्यादा नहीं खेल पाओगे। और तीसरा और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आप एक दिन में 7,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो इन गेम में किसी भी तरह की परचेज के लिए। लास्ट ईयर अगर आप लोगों को याद हो तो एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से, अपने पापा के अकाउंट से उनकी सारी सेविंग्स खर्च कर दी थी। तकरीबन आई थिंक 16 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए थे सिर्फ कुछ कुछ परचेज करने में पबजी में ही। तो इस बार ऐसा रूल निकाल दिया उन्होंने कि आप दिन में 7,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे परचेज करने के लिए कुछ भी। और धीरे धीरे और भी कुछ अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और हाँ, कुछ लोगों ने मेरे से ये भी पूछा था कि भाई iOS के लिए कब आएगा या जो भी, तो भाई iOS के लिए अभी तक वैसा कोई अपडेट आया नहीं है, उसके लिए कोई प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह हो नहीं रहे। पर मेरा जहां तक मानना है यार कि देखो, iOS के लिए आई थिंक डायरेक्ट ऐप स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा इंस्टॉल के लिए, उसके लिए कोई प्री रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर देखते हैं क्या होता है। और होप सो कि एंड्रॉयड के लिए भी जून के फर्स्ट ऑफ वीक और हाफ ऑफ जून तक आ जाए, वो अवेलेबल हो जाए इंस्टॉल के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। और जैसा कि आपको पता है माहौल क्या चल रहा है, तो आप लोग घर पे रहो प्लीज, ध्यान रखो अपना, सेफ रहो और कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू सो मच।